चैनपुर जिले के चैनपुर प्रखंड में शनिवार को अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। मृतक पास्कल लोहरा का मूल गांव थाना क्षेत्र के आकाशी पकड़ी टोली में है, लेकिन वह पिछले कई सालों से रामपुर पंचायत के भगत बुकमा गांव में घर बनवा कर रह रहा था। ट्रैक्टर दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद भगत मुकमा गांव के लोगों ने उसके शव को गांव में अंतिम संस्कार के लिए रोक लगा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि इसका अंतिम संस्कार ये गांव में नहीं होगा, इसे अपना मूल गांव ले जाओ, वही इसका अंतिम संस्कार कराना। घंटों चले विवाद के बाद भी ग्रामीणों ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, जिसके बाद इसकी चैनपुर सूचना मिलते ही चैनपुर अंचलाधिकारी गौतम कुमार, एसआई आलोक कुमार, झामुमो के जिला उपाध्यक्ष सह जिला बिसूत्री सदस्य सुशील दीपक मिंज व प्रमुख ओलिभा कांता कुजूर गांव पहुंचकर ग्रामीणों को काफी समझाया, जिसके बाद प्रशासन के देखरेख में ही मजदूर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि प्रशासन के द्वारा तत्काल मदद के तौर पर मृतक के आश्रित परिजनों को तत्काल आर्थिक सहयोग व 50 किलो चावल, आलू, दाल एवं कुछ सब्जी दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी का जल्द ही विधवा पेंशन बनवाया जाएगा, सरकार के आपदा विभाग से 4 लाख रुपए का भी लाभ दिया जाएगा। झामुमो जिला उपाध्यक्ष सह जिला बिस सूत्री सदस्य सुशील दीपक मिंज व प्रमुख ओलिभ कांता कुजूर ने गांव पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को मनाया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार हो सका। उन्होंने कहा कि मृतक के छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, ना कि इस परिवार को परेशान करना है। पीड़ित परिवार को झामुमो की ओर से पूरी तरह मदद की जाएगी। बच्चों को कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए मैं बात करूंगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।